हेलो सुखनवर्स, मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक छोटे सफ़र में निकल गए हैं, मैं और मेरी मदर, जो कि उत्तर प्रदेश की आगरा सिटी होने वाली है। अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं और हमारी 8:10 में ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से, जो कि होने वाली है गतिमान एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली रेल सर्विस है, जो कि टक्कर देती है हबीबगंज और हज़रत निज़ामुद्दीन के चलने बीच में चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ये पकड़ती है तुगलकाबाद सिटी रेलवे स्टेशन और आगरा कैंट के बीच में। ये ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो है, ये अपना हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक जाती है, जो कि झांसी है। वो टोटल 405 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि ये करीब करीब 4 घंटे में पूरा करती है। लेकिन हमारा सफ़र बीच में आगरा कैंट तक ही है, जो कि 188 किलोमीटर का होने वाला है। ये करीब करीब 100 मिनट में ये इसको पूरा करेगी। तो 8:10 की हमारी ट्रेन है और करीब 9:55 को हम आगरा कैंट में होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम आगरा सिटी क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपकी जानकारी हो तो हमें भी बताइएगा, हम भी इस जगह को ज़रूर देखेंगे। ये करीब 15 घंटे की ट्रिप होने वाली है। सुबह 6 बजे हम घर से निकलेंगे और करीब 10 बजे तक हम शायद घर पे होंगे। शाम को हमारी 5:40 की आगरा कैंट से गतिमान एक्सप्रेस में रिटर्न जर्नी है। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। इधर मैं अपनी माँ से आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये मेरी मदर हैं, इनका नाम मैथिली है। सबको हेलो बोल दो अम्मा। हेलो बोल दो सबको। हेलो, ठीक है। तो फिर हम निज़ामुद्दीन स्टेशन में मिलते हैं, वहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। चलिए, सी यू सून। कि जल्दी जल्दी में सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैंने अपना ये होममेड आलमंड ओट मिल्क बना के पी रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट अल्टरनेटिव है ऐसे समय के लिए, जब आपको जल्दी में घर से निकलना हो और कुछ बनाने का टाइम ना हो। तो इसका जो बनाने का प्रोसीजर है, उसकी लिंक मैं जो वीडियो में बना रखा हूँ, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन में। अम्मा कैसा लग रहा है? आगरा जाना ठीक लग रहा है? ठीक है, बढ़िया है। क्या क्या देखोगे आगरा? ताज महल, बस। और फतेहपुर सिकरी, और क्या क्या? आगरा फोर्ट, आगरा मेहताब गार्डन। अच्छा, और आगरा, आगरे का फेमस मीठा खाओगे? हाँ, मीठा खाना चाहते हो?
पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन। निज़ामुद्दीन के ऊपर आ चुके हैं, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहां पे हमारी ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस हमारा इंतज़ार कर रही है। एक्सप्रेस के अंदर हम बैठ चुके हैं। आज दिल्ली में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए आज आपको इंजन लोकोमोटिव लगी हुई दिखाने पड़ेंगे। इस गतिमान इंजन में गाज़ियाबाद शहर की WAP-5 लोकोमोटिव लगी हुई है, जो कि करीब 100 मिनट में हमें दिल्ली से आगरा पहुँचाएगी। निज़ामुद्दीन से तिजाराबाद सिटी तक ये 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी, और सिकंदराबाद सिटी जंक्शन सिटी से ये आगरा तक की फुल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागे। ये जो WAP-5 जो इंजन है, ये पहली बार 1995 में इंपोर्ट किया गया था ABB स्विट्जरलैंड से। करीब 10 लोकोमोटिव्स मंगवाई गई थी वहाँ से। इसका जो डिज़ाइन है, ये एक हाइब्रिड डिज़ाइन है। RE स्विट्जरलैंड की RE 460 और DBB जर्मनी की मैकेनिक्स और चैसिस में लगे हुए हैं। तो जब ये स्टार्ट होगी तो हम फिर मिलते हैं। अभी तक ये ट्रेन काफ़ी साफ सुथरी सी लग रही है। ब्रेकफास्ट देखते हैं, ब्रेकफास्ट में वही पुरानी कटलेट और सारी सामान देंगे कि कुछ नया भी इन्वाइट करेंगे, मेंशन कुछ नया डिस्कवर करेंगे, ये ब्रेकफास्ट आने के बाद हमें पता लगेगा। एक्सप्रेस में सिर्फ 3 स्टॉप्स हैं। पहला होगा अपना आगरा कैंट, दूसरा होगा ग्वालियर और तीसरा होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई, जो कि 4 से है। तो अब दिल्ली से निकल के सीधे आगरा में ही रुकेगी। ये हज़रत निज़ामुद्दीन से सुबह के 8:10 में निकलती है और आगरा कैंप पहुँचेगी 9:55 में। सुपर फास्ट, तो देखते हैं कि ये इसकी स्पीड कितनी होती है। गतिमान एक्सप्रेस को 2016 में लॉन्च किया गया था, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा कैंप के लिए शुरुआत की गई थी। चूँकि ऑक्यूपेंसी कम होने की वजह से इसको आगे 2018 में फरवरी में पहले ग्वालियर को बढ़ाया गया और उसके बाद इसको झांसी तक 2018 में इसको बढ़ाया गया था। तब ये दिल्ली से झांसी तक चलती है और झांसी 4 घंटे में कवर करती है, 400 किलोमीटर के आसपास दिल्ली से झांसी का रास्ता है। ट्रेन की साफ सफाई कैसी है? तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ब्रेकफास्ट?
ब्रेकफास्ट की उम्मीदें हैं आपको। चलो ठीक है, तो ब्रेकफास्ट मिलते ही हम फिर उसका रिव्यू करेंगे। अपनी ट्रेन बिल्कुल सही टाइम 8:10 में निजामुद्दीन से निकल चुकी है, तो शुरुआत तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, एकदम सही टाइम पे अपने स्टेशन से निकल चुकी है। अब इंतज़ार है गति का, क्योंकि 107 किलोमीटर जब यह भागेगी तुगलकाबाद सिटी स्टेशन और आगरा कैंट के बीच में। ऑलरेडी ये काफ़ी स्पीड पकड़ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आसनसोल की लोकोमोटिव है। आपका सफर अब शुरू होता है, मतलब आपका सफर अब शुरू होता है हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला सफर नहीं, आपका शुरू होता है। Thank you.
करीब 15 मिनट हो गए हैं ये ब्रेकफास्ट सर्व करने की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक हमें अपना ब्रेकफास्ट मिला नहीं है। काफ़ी स्लो सी सर्विस लग रही है मेरे को। एक एक नंबर को देखते देखते वो वेज या नॉन वेज प्रेफरेंस को देखते हुए सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो ये सर्विस काफ़ी स्लो था। अभी तक सबको ट्रेन में ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 25% लोगों को ब्रेकफास्ट मिला है, बाकी सारे वेट कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट का, जो कि इट्स नॉट गुड। और गतिमान सर्विस की ब्रेकफास्ट सर्विस जो कि सुपर स्लो मोशन में चल रही है, ये पिछले 15 मिनट से ये ब्रेकफास्ट ही दिए जा रहे हैं और अभी तक हमें अपना ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। वेरी स्लो सर्विस, टोटली नॉट इम्प्रेस्ड। और आज ये ट्रेन भी काफ़ी रुक रुक के चल रही है, जो कि यूजुअल है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। आप देख सकते हैं कि इतनी स्लो स्पीड में चल रही है, शायद ये बारिश की वजह से डिले है या ये अभी तक देखिए कि इधर के दिन घंटे दे रहे हैं। बहुत ही स्लो सर्विस है। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे आ चुका है। ये हमने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लिया है, इसमें चटनी है और सांभर है, ये मिनी उत्तपम है। अब इसके साथ ब्रेड देने का क्या पॉइंट है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पहले इसको खोलते हैं फिर टेस्ट करके बताएंगे कि खाना कैसा है। उपमा मदरी, ये जो उपमा मेरे को दिया गया है इसमें पूरा पानी है। ये आप उत्तपम टेस्ट करके देखें, बहुत ही ऑर्डिनरी है। उपमा में इतना पानी क्यों डाला हुआ मैं समझ नहीं आ रहा। ये आपकी चटनी, सांभर को टेस्ट करके देखते हैं, और ऑयल एकदम मदक रहा है। सांभर अच्छा है, स्पाइसी है, लेकिन उपमा में इतना पानी है जो कि समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही छोटे बड़े 29 इंटरमीडिएट स्टेशन को छोड़ते हुए हम बढ़ चले हैं आगरा की तरफ, हज़रत निज़ामुद्दीन से गतिमान एक्सप्रेस। भूतेश्वर स्किप कर रहे हैं और भूतेश्वर में हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट है, तो करीब आज तो गतिमान एक्सप्रेस की गति एकदम ढीली पड़ चुकी है। सोचा था खरगोश की रफ्तार से चलेंगे, लेकिन लगता है कि आज कछुआ जीतने वाला है। आगरा पहुँचते हुए 45 मिनट्स लेट। शून्य
स्कूल जाने के लिए गतिमान एक्सप्रेस आ चुकी फतेहपुर सीकरी का वही आलम था 20 रुपये 25 रुपये था। आज वहाँ पे भी वही आलम है 50 रुपये, किले का 50 रुपये, ताजमहल का दो प्रकार का टिकट 50 रुपये, 250 रुपये इंडियन के लिए। वो शारजा के कब्र तक जाने के लिए 250 रुपये देने पड़ेंगे जी सर, देने पड़ेंगे सर। पहले नहीं था सर, पहले कंट्री फीस था, कंट्री में पूरा ताजमहल मिलता था 3 घंटे के लिए। बहुत आया था। आज की डेट में ये है कि 50 पहले लगेगा, उसके बाद 200 ऊपर देना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं, टिकट दिखानी पड़ेगी तभी अंदर जाने देंगे। ऊपर वो जैसे सिटी पे पैर रखेंगे ऊपर रहने की टिकट 200 दीजिएगा तब ऊपर जाएंगे। तो 200 लेने के बाद ही ऊपर एंट्री करेंगे, नहीं तो 50 का नीचे का टिकट लो और घूमो और वापस हो जाए। बाहर वहीं से फोटो ले लो, घर निकलो जी सर। समझ तो अब तो सब साथ में रहेंगे जी सर, तो मेरे को छोड़ने के बाद क्या करोगे, घर जाओगे कि मतलब और यहीं पर रहोगे? नहीं सर, वापस घर। अच्छा, तो मतलब आज का आपका हो गया प्रोग्राम? जी, मतलब बिल्कुल सर, काम मिल गए? हाँ जी, आज काम मिल गया, सुबह से नहीं मिला था। अच्छा, अभी गतिमान लेट आई है। हाँ, लेट आई है, इस कारण मिल गया था। आज ईद भी है, कुछ लोग कम आए हुए हैं, तो हम लोग अपना ईद बना के घर। अच्छा, आज ईद है क्या? अच्छा, इसलिए थोड़ा रोड पर भी भीड़ भाड़ कम है। कम है, ओके। मेहताब गार्डन जो कि काफ़ी मंजर सा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये फूल वगैरह लगाने की तैयारी हो रही है। आगरा में मौसम काफ़ी सुहावना है, धूप निकली हुई है। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद अब हम आगरा पहुँच चुके हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है, और ये मेहताब गार्डन के फर्स्ट लुक, काफ़ी अच्छे फूल उगा रखे हैं यहाँ पे अभी तक के लिए। तो thank you.
बैकड्रॉप में ताजमहल, हम अभी हैं मेहताब बाग में। अगर इसको थोड़ा कवर कर देते ऊपर से तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा ओपन ओपन सा है लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बंजर सा है।